सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज जहां पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं राजपुरा शहर में भी गणतंत्र दिवस पटेल कॉलेज, पटेल स्कूल, नगर कौंसिल राजपुरा, सीनियर सिटीजन होम सहित कई स्थानों पर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर पटेल कॉलेज में राजपुरा के SDM श्री संजीव कुमार द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की रस्म अदा की गई, वहीं पटेल स्कूल में मैनेजमेंट सोसाइटी के प्रधान PC बटेजा, नगर कौंसिल राजपुरा में नगर कौंसिल के उप प्रधान सरदार अमनदीप सिंह नागी ने व पल्लेदार यूनियन द्वारा रखे गए गणतंत्र दिवस समारोह में ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री जी द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की रस्म को अदा किया गया। राजपुरा प्रशासन द्वारा पटेल कॉलेज में रखे गए गणतंत्र दिवस समारोह में जहां स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, वहीं प्रशासन की कुछ कमियों को भी News89 की टीम ने अपने कैमरों में कैद किया। जहां कुछ प्राइवेट स्कूली बच्चों के लिए तो दरियों का इंतजाम किया गया था, मगर कुछ सरकारी स्कूल के बच्चे कड़कती ठंड में जमीन पर बैठे समारोह का आनंद उठाते हुए नजर आए। वह कुछ स्कूली बच्चे अपने बैठने के लिए आप ही दरियां बिछाते हुए कैमरे में कैद हो गए। आपको पहले दिखाते हैं गणतंत्र दिवस पर बच्चों द्वारा पेश किए गए रंगारंग कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अब बात करते हैं राजपुरा के झंडा ग्राउंड की, जो कई वर्षों से इस इंतजार में है कि कोई महान नेता या कोई प्रशासन का बढ़िया अफसर राजपुरा में आएगा और झंडा ग्राउंड के साथ कई वर्षों से हो रही धक्केशाही को खत्म कर दोबारा गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां बने मंच से एक बार फिर तिरंगा फहराने की रस्म को अदा करेगा। जी हाँ, हम उस झंडा ग्राउंड की बात कर रहे हैं जहाँ कई वर्षों से तिरंगा फहराने की रस्म को अदा किया जाता था, मगर आज प्रशासन द्वारा लाखों रुपया इस झंडा ग्राउंड पर खर्चा कर
लोगों द्वारा यहाँ पर दरियां सुखाई जा रही हैं या इसे अन्य कामों के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस झंडा ग्राउंड का नाम झंडा ग्राउंड इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पर कई वर्षों से राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता था। इस झंडा ग्राउंड में ऐसे समारोह होने की वजह से गरीब लोगों को रोजगार मिलता था। आने जाने वाले राहगीर रुक कर यहाँ राष्ट्रीय समारोह का आनंद उठाते थे, मगर प्रशासन ने गरीबों के इस समारोह को अमीरों का समारोह बनाते हुए इस समारोह को इस झंडा ग्राउंड की जगह पटेल कॉलेज में करवाना शुरू कर दिया, जिससे आज राजपुरा की जनता में काफी रोष पाया जा रहा है। जब भी इस बारे में प्रशासन से सवाल पूछा जाता है तो वो एक ही जवाब हर बार देकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि चिंता मत करो, अगला समारोह झंडा ग्राउंड में ही करवाया जाएगा। मगर आज भी झंडा ग्राउंड इस इंतजार में है कि कब इस मंच से दोबारा तिरंगा फहराया जाएगा। अब एक नज़र प्रशासन की उस कमी पर जो वो हर बार करना अपनी शान समझते हैं। प्रशासन द्वारा हर बार गणतंत्रता व स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी निमंत्रण भेजकर पत्रकारों को बड़े ही सम्मान के साथ समारोह में बुलाया जाता है, मगर जब पत्रकार साहबान समारोह में पहुंचते हैं तो वहां उनके लिए लगाई गई कुर्सियों पर सरकारी अफसर साहबान बैठे हुए नजर आते हैं और पत्रकारों को पूरा समारोह खड़े होकर कवर करना पड़ता है। ऐसा ही आज भी देखने को मिला, जब पत्रकार साहबान समारोह में पहुंचे तो सरकारी अफसर प्रेस की कुर्सियों पर आराम फरमाते हुए नजर आए। जब कुछ पत्रकारों ने इस बात को लेकर प्रशासन से नाराजगी प्रकट की तो तहसीलदार राजपुरा द्वारा इस और आगे से ध्यान देने व कुर्सियों को खाली करवाने के बाद ये मामला शांत हो पाया। मगर प्रशासन को चाहिए कि अगर किसी मेहमान को मान सम्मान देकर बुलाया जाता है तो उसका ध्यान रखना भी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। आज के रखे गए गणतंत्र दिवस समारोह में राजपुरा के SDM श्री संजीव कुमार जी की ओर से स्कूली बच्चों, प्रशासन के अधिकारियों, अध्यापकों, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवी संस्थाओं व अन्य गणमान्य लोगों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर SDM राजपुरा श्री संजीव कुमार ने इस गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। वहीं झंडा ग्राउंड में समारोह के पूछे गए सवाल पर उन्होंने भी अगला समारोह झंडा ग्राउंड में करवाने की बात करते हुए कहा कि पहला तो गणतंत्र दिवस दिया, बहुत बहुत मुबारक है। प्रोग्राम देखे ही है, स्पेशल अज एक महात्मा गांधी सरबत विकास योजना का आगाज किया। अज जे असी लाभपात्री नवें लभे ने उन्होंने इतने लाभ दिता गया। गवर्नमेंट को जो वक् स्कीम चल रही ने, पहला जिदा परिवार आटा दाल की स्कीम लै रहा है, बाकी दिन स्कीम बारे नहीं पता सी, तो असी अपनी टीम लगा के परिवार को बाकी भी जो स्कीम से लाभ दिते गए। तो सर काफ़ी साल तो जरा झंडा ग्राउंड मनाया जाता है, उत्थे गरीब बंदे नू रोजगार भी मिलता सीगा इस प्रोग्राम के नाल, ते आम जनता आती जाती भी उत्थे प्रोग्राम देखती होंगी सी। ये काफ़ी साल तो उरे ही क्यों मनाया जा रहा है सर, की यह जी दिक्कत आती है? इस बार तो कोई ना कोई बारिश सी ना कुछ, उत्थे क्यों नहीं मनाया गया प्रोग्राम? जदों मैं आया उस तो पहला भी मैं पता किया प्रोग्राम इतनी मनाया जाता है, अगे अगर इलाका असी चाड़ गए तो उत्थे मना लेंगे, पर मैं देखा भी लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत घट है। इतनी सर उत्थे तुसी अच्छी थान है, इतने लोग आ सकते हैं, सेंट्रल प्लेस है, पर फिर भी लोगों का रुझान सर जो एक मानसिक डर पाया जा रहा है इस प्रोग्राम को लैके, मैं अपने घर भी देखने को मिले भी अच्छी टिकट कितने मिलूगी जाना है सर। प्रशासन के जो प्रबंध है उसते भी कुछ प्रश्न चिन्ह है, उरे बच्चे जड़े आप ही दरिया बिछा रहे थे, तो जी प्रेस हमेशा उरे आती है जी, उन्होंने मान सत्कार करके बुलाया जाता कार्ड, उन्होंने भी पूरा मान सत्कार नहीं दिता जाता इस बारे? सर ठीक है, थैंक यू। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, News 89। सब्सक्राइब करें News 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद।